तो जब भी हम माइनक्राफ्ट में कोई नया वर्ल्ड बनाते हैं तो वो बिल्कुल रैंडम जनरेट होता है और सिर्फ माइनक्राफ्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको क्या देगा। या तो आपको वो टट्टी दे देगा या तो आपको वो स्वर्ग वाला वर्ल्ड दे देगा। ये सिर्फ माइनक्राफ्ट के ऊपर निर्भर करता है। तो जो भी हम वर्ल्ड जनरेट करते हैं उसका कोई ना कोई सीरियल नंबर होता है। माइनक्राफ्ट की भाषा में समझा जाए तो सीड होते हैं, ये वाले सीड नहीं, ये वाले सीड। तो हम भी आज इस वीडियो में सीड्स के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे अनोखे सीड्स जो आपको पूरा हिला कर रख देंगे। विदाउट एनी देरी शुरू करते हैं वीडियो मेरी। नंबर 8, थारा भाई माइनक्राफ्ट। इतने बायोम दिखा देगा किसी ने सोची नहीं होगी। भाई मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, उसमें सारे बायोम्स देखने को मिलते हैं आपको। टेराकोटा हो गया, आपका मशरूम वाला हो गया और स्वम्प बायोम हो गया, और सभी बायोम्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास में है। तो ये री वर्ल्ड की सीड, और जैसे ही आप यहाँ पर स्पोन हो गए आप मशरूम आइलैंड में स्पोन हो गए। भाई कितनी ज्यादा बड़ी बात है, पॉसिबिलिटी कम होती है। और आपको यहाँ पर लाल लाल गाय देखने को मिलेगी, इसके आगे आपको आइस स्पाइक्स देखने को मिल जाएगी। आइस स्पाइक्स के थोड़ा राइट जाएंगे तो हमको टेराकोटा वाला बायोम दिखेगा। इसके बाद हमको देखने को मिलता है डेजर्ट बायोम। इस वाले डेजर्ट बायोम के अंदर 3 टेम्पल है, और इस वाले टेम्पल के अंदर मेरे को कर्स ऑफ वेनिशिंग एंड फायर एक्सपेक्ट 2 की एंचेंटमेंट मिल गई। मजा सा आ गया। डेजर्ट के बाद बारी आती है यहाँ पर स्वम्प बायोम की, और अब एंट्री करते हैं यहाँ पर हमारे फॉरेस्ट वाला बायोम, और लास्ट में हमको यहाँ पर देखने को मिलती है क्लिफ्स एंड माउंटेन्स। तो ये तो बात हमने करी बायोम्स की, अब हम यहाँ पर देखेंगे हमको इस वर्ल्ड में और क्या क्या मिल सकता है। यहाँ पर हमको एक शिप रैक देखने को मिलती है, और जैसे हम शिप रैक देखते भाई हमारे दिमाग में चेस्ट आ जाती है। और इस शिप रैक के अंदर आपको टोटल 2 चेस्ट मिलेगी। पहली चेस्ट में आपको लेदर कैप मिलेगी कर्स ऑफ वाइंडिंग के एंचेंटमेंट के साथ, और दूसरी चेस्ट की बात करें तो उसमें आपको आयरन इन गोट्स और लैपिस लाजुली देखने को मिलेंगे। सब टपालो भाई, अपना ही माल है। शिपरैक के बाद हमको रूइन पोर्टल देखने को मिलता है। इस वाली चेस्ट के अंदर अनब्रेकिंग 1 के बूट्स, एफिशिएंसी 5 की शावल और सिल्क टच की गोल्डन हुआ है, और थोड़े से आपको नगेट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो वैसे ही मैं आपको बहुत ज्यादा चीजें दिखा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी चीजें खत्म नहीं हुई है। अभी रूइन पोर्टल मैंने दिखाया था, इसके बाद हमको एक और रूइन पोर्टल देखने को मिलता है। तो आपको इस वाले रूइन पोर्टल की चेस्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा? फायर प्रोटेक्शन 1 की लेगिंग्स, बेन ऑफ अर्थ पॉट्स 5 की गोल्डन स्वॉर्ड और थॉर्न्स 1 की गोल्डन बूट्स। इस वाले सीड को खेलने का अलग ही मजा है, खासकर सर्वाइवल मोड में। मैं भी आपको बोलूंगा इस वाले सीड को जरूर ट्राई करें। और हम बढ़ते हैं दूसरी वाली सीड पर, नंबर 7। तो हम सभी ने माइनक्राफ्ट में कभी ना कभी ऐसी अतरंगी चीजें देखी होगी जिसको देख के हमारा पूरा दिमाग हिल गया होगा। तो भाई अब तक तो आपका दिमाग हिलता हुआ आ रहा था, मैं तो आपको पहली वार्निंग दे रहा हूँ, चेयर पे बैठ जाओ क्योंकि इस बार आप पूरे हिलने वाले हो। मैं आपको एक ऐसी सीड दिखाऊंगा जो बहुत ज्यादा अनोखी है। तो इन कोऑर्डिनेट्स पे आपको एक बहुत बड़ा टावर देखने को मिलेगा। तो भाई ये टावर इतना ज्यादा बड़ा, एक टाइम पर मेरे को ऐसा लगा पक्का खरी ने ट्रेनिंग दी है इसको हाइट बढ़ाने में। तो आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि ये सीड की सबसे मेन चीज है, लेकिन मेन ट्विस्ट अभी बाकी है। मेन चीज तो आपकी ये है भाई, मतलब इतने बड़े टावर के ऊपर आपको विलेज भी देखने को मिल जाता है। ये सच में बहुत ज्यादा रेयर चीज है। वैसे कुछ भी बोलो, ये जो व्यू हमको देखने को मिल रहा है ना, मन को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इस वाले टावर के बिल्कुल सामने आपको एक विच हट भी देखने को मिलेगी, और ये विच हट इस तरीके से स्पॉन हो रखी है कि हमको लगे कि ये लैंड के ऊपर स्पॉन है, बट फिजिक्स तो कुछ और ही है। फिलहाल हम फिजिक्स के ऊपर बात नहीं करने वाले क्योंकि हम माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं, और आप सभी को तो पता ही है कि माइनक्राफ्ट की फिजिक्स कितनी ज्यादा ओपी है। खैर ये सब छोड़ो, हम बढ़ते अपनी नई सीड के ऊपर, नंबर 6। भाई माइनक्राफ्ट के कैक्टस अलग ही शक्तिमान बने घूमते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, इसमें कुछ भी फेंक दो, इवन नेदरराइट भी फेंक दो भाई, वो भी खत्म हो जाएगा। आप सभी ने कैक्टस तो ऑब्वियसली देखा ही होगा, एक ब्लॉक का देखा होगा, दो ब्लॉक का देखा होगा, लेकिन कभी इतना बड़ा कैक्टस देखा है? भाई बुर्ज खलीफा भी शर्मा जाए एक टाइम पे, ये टोटल 20 ब्लॉक ऊंचा कैक्टस है भाई साहब। ये मैंने खुद पहली बार देखा है, और हाँ ये खुद जनरेट हो रखा है इस सीट पर। कभी सोचो कि मैंने बनाया है, नहीं यकीन होता तो खुद जाकर भी तुम देख सकते हो। और सिर्फ यही वाली सीट नहीं, जितनी सीट मैंने तुमको अब तक दिखाई है सारी की सारी रियल और जेन्युइन है। इसी बात पर वीडियो को लाइक हो जाना चाहिए, और मन कर रहा है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर भी मुक्का मार सकते हो। हम बढ़ते हैं नई वाली सीड के ऊपर, नंबर 5। तो जैसा हम सभी को पता ही है कि माइनक्राफ्ट में फिजिक्स का यूज बहुत ज्यादा कम हुआ है। आपने कई जगह पर फ्लोटिंग ट्रीज और फ्लोटिंग ब्लॉक्स तो देखे ही होंगे, लेकिन मैं आपको ऐसी फ्लोटिंग चीजें दिखाने वाला हूँ जिससे आपका दिमाग ही फ्लोट करने लग जाएगा। मजाक नहीं कर रहा भाई, अगर अभी न्यूटन जिंदा होता ना तो उसको भी अपनी ग्रेविटी वाली खोज पर शक हो जाता। तो इस वाली सीड पर आपको UFO जैसा कुछ दिखने को मिलेगा, जैसे कि UFO आसमान में उड़ रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर पास में जाते हैं हमको पता चलता है कि ये पहाड़ है। इस पहाड़ ने एक भी ब्लॉक का सपोर्ट नहीं ले रखा, फिर भी बहुत ज्यादा इजिली फ्लोट कर रहा है हवा में। देखने में तो बहुत ज्यादा प्यारा ही लग रहा है, और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसी चीजें माइनक्राफ्ट को बहुत ज्यादा अच्छा बनाती है, और भाई अपना गेम है भी काफी ज्यादा खास। और इस वाली सीड में आपको पूरा फ्लोटिंग आइलैंड देखने को मिलेगा जो पूरा का पूरा हवा में उड़ रहा है। ये देखने में तो बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा है, बट क्या करें, यहाँ पर भी फिजिक्स का कुछ भी यूज नहीं हुआ है। और इस वाली सीड की हालत
देख लो तुम, हमको ज्यादातर शिपरेक पानी के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन भाई साहब ये वाली शिपरेक तो हवा में उड़ रही है। मैं बताता हूँ यहाँ पर हुआ क्या होगा। इस वाली शिपरेक को एयरप्लेन बनने का मन होगा, लेकिन इसके पेरेंट्स के दबाव के चक्कर में इसको शिपरेक बनना पड़ा, और आप हालात देख ही सकते हो। नंबर फोर, तो आप सभी ने डेजर्ट टेम्पल तो देखा ही होगा। हम सिंपली उसके अंदर जाते हैं, लूट मचाते हैं और थोड़े बहुत धमाके करके बाहर आ जाते हैं। लेकिन अभी मैं आप सभी को इससे कुछ हटके दिखाने वाला हूँ। इस सीड पर और इन कोऑर्डिनेट्स पर आपको प्लेजर टावर देखने को मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इस प्लेजर टावर के अंदर जाते हैं, हमको एक डेजर्ट टेम्पल देखने को मिलता है। देखा है कभी? नहीं देखा होगा। वैसे इस डेजर्ट टेम्पल के अंदर कुछ खास लूट तो मिली नहीं, चलो मान लिया कि माइनक्राफ्ट से कभी ना कभी गलती हो जाती है। लेकिन भाई इस वाली सीड में तो ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझकर गलती की गई है। मतलब भाई विलेजर का घर बिल्कुल टेम्पल के अंदर घुस रखा है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाई ये वाला विलेजर इस टेम्पल का पंडित होगा। आपको भी ऐसा लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताना भाई। और इस वाले सीड के तुम हालात देख लो, जंगल टेम्पल और डेजर्ट टेम्पल एकदम चिपक के। भाई साहब ये माइनक्राफ्ट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। खैर ये सब तो चलता ही रहेगा, हम जरा नजर मार लेते हैं अपनी नई सीड के ऊपर। नंबर थ्री, तो जब भी हम इग्लू का नाम सुनते हैं हम सभी के दिमाग में क्या आता है? एक छोटा सा प्यारा घर जो बर्फ से बना हुआ होता है। सबके मन में यही आता है, जो आप सभी को ये सामने इग्लू दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा अलग है भाई। इसने बहुत ज्यादा राज छुपा रखे अपने पीछे। जैसे मैं अंदर जाता हूँ सब कुछ नॉर्मल देखने को मिलता है। लेकिन भाई वेट, इसके नीचे पूरा एक अंडरग्राउंड बेसमेंट टाइप कुछ है। जैसे मैं सीढ़ियों से नीचे उतरता हूँ, मेरे को ब्रूइंग स्टैंड देखने को मिलता है और एक चेस्ट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर तो बस आपको थोड़ी सी केव्स वगैरह देखने को मिलेगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मेन चीजों की। थोड़ा सा आगे चलने पर मेरे को एक लाइब्रेरी मिलती है, और इस वाली लाइब्रेरी की चेस्ट में मेरे को शार्पनेस 3, पियर्सिंग 3 एंड नॉकबैक 2 देखने को मिल जाती है। मतलब भाई समझ जाओ माला माल होने वाले हो। तो भाई ये वाली एंचेंटमेंट बुक हम सभी के लिए बहुत है। लेकिन भाई तुम अभी रुको, हमको एक और लाइब्रेरी देखने को मिलती है और उस वाली चेस्ट में एफिशिएंसी 3 रखी हुई है। मतलब भाई एक जगह दो लाइब्रेरी और एंचेंटमेंट बुक की तो बात ही मत पूछो, कितनी तगड़ी एंचेंटमेंट बुक मिल गई। और लाइब्रेरी की थोड़ा सा पास में ही आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड देखने को मिलता है। देखा भाई, मैं इसलिए बोल रहा था इस वाले इग्लू के पीछे बहुत ज्यादा राज छुपे हुए हैं। भले ही दिखने में इग्लू छोटा सा और क्यूट सा हो, लेकिन भाई इसने अपने पीछे क्या क्या चीजें छुपा रखी है वो कोई भी नहीं सोच सकता। इस वाली इग्लू के बाद बढ़ते हैं हम अपनी नई सीड के ऊपर, नंबर टू। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और अगर आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड बहुत ज्यादा इजीली मिल गया तो आप उसको अपना लकी समझ सकते हो। अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड बिल्कुल आइलैंड के ऊपर मिल जाए तो आप सभी यकीन करोगे? जानता हूँ आप सभी यकीन नहीं करने वाले, लेकिन भाई कोई बात नहीं, मैं आपको वो चीज दिखाई देता हूँ सामने। तो इस वाले आइलैंड के ऊपर आपको टोटल दो रास्ते देखने को मिलते हैं, पहला रास्ता स्ट्रॉन्ग होल्ड का और दूसरा रास्ता लाइब्रेरी का। तो सबसे पहले हम लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं। लाइब्रेरी के अंदर हमको एक चेस्ट मिलती है जिसके अंदर हमको फॉर्च्यून 2 मिलती है। मतलब भाई शुरुआत ही बहुत ज्यादा बढ़िया हुई। तो अब चलते हम अपने प्यारे स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए। जैसे हम थोड़ी सी सीढ़ियां उतरते हैं हमको एक चेस्ट देखने को मिलती है, और उस चेस्ट के अंदर हमको मिलते हैं अपने आयरन बूट। मान दो ये वाली ज्यादा बढ़िया चीज नहीं है, लेकिन अभी मेन चीज तो बची हुई है। थोड़ा सा नीचे उतरते ही हमको स्ट्रॉन्ग होल्ड देखने को मिल जाता है, और इसको एक्टिवेट कैसे करना है वो चीज तो हम सभी को पता ही। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड के बाद हमको देखने को मिलती है एक और लाइब्रेरी, और इस वाली लाइब्रेरी के अंदर भी चेस्ट रखी हुई है, और उस चेस्ट के अंदर हमको प्रोटेक्शन 3 मिल जाती है। मतलब भाई बिल्कुल माला माल से हो गए हम, थोड़ी देर में अंबानी जैसी फीलिंग आ रही है। तो अब चलते थोड़ी सी और खोजबीन करने। जैसे ही हम थोड़े से आगे गए हमको मिल जाती है एक और चेस्ट, और भाई साहब इस वाली चेस्ट के अंदर हमको एफिशिएंसी 4, बेल ऑफ अर्थापोड्स 4 और प्रेजिंग 4 देखने को मिल जाती है। मतलब भाई अब तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं बताऊं भी कैसे। पहले ही हमको दो एंचेंटमेंट बुक मिल चुकी थी, और अब ये वाली एंचेंटमेंट बुक, भाई मतलब 3 एंचेंटमेंट बुक हो चुकी है। तो ये वाला स्ट्रॉन्ग होल्ड हमारे लिए बहुत ज्यादा लकी साबित हुआ। तो आप सभी इस वाली सीड को जरूर ट्राई करना, और हमारा काम क्या है हम बढ़ते हैं नई वाली सीड के ऊपर, नंबर 1। तो अब बात कर लेते हैं आज की वीडियो की लास्ट सीड के बारे में। आज मैंने आपको इतनी सारी सीड्स दिखाई हैं जिसमें एक जगह पर बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो लास्ट वाली सीड का भी कुछ ऐसा ही हाल है। जैसे ही आप इस वाली सीड का यूज करके इन कोऑर्डिनेट्स पर आओगे, आपको एक वुडलैंड मेंशन देखने को मिलेगा, और वुडलैंड मेंशन के बिल्कुल जस्ट नीचे एक विलेज भी आ जाता है। तो वुडलैंड मेंशन के पास विलेज मिलना ये थोड़ा सा रेयर होता है। लेकिन भाई साहब अभी तुम रुको जरा, वुडलैंड मेंशन मिल चुका, विलेज मिल चुका, और इन दोनों के पास आपको एक ओशन मॉन्यूमेंट भी देखने को मिल जाता है। मतलब क्या बोलूं यार, कितनी ज्यादा मस्त सीड है ये। आप लोगों का क्या कहना है सीड के बारे में नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करें, एंड कौन सी सीड आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है वो कमेंट में जाकर बताएं। मैं आपको ऐसे ही एंटरटेन करता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।